तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 24 दिन कंप्लीट करके आज 25वें दिन में एंट्री मान ली है। तो अभी बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, पहले दूसरे वीक में कितनी कमाई करी, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी और टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है, तो सब जानेंगे बस डिटेल टू डिटेल। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। अगर जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं, शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं, उनसे रिलेटेड बिग अपडेट चाहते हैं, तब लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। मूवी को एच पैन इंडिया रिलीज कराया गया है, जिसमें सपोर्टिंग में आपको नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी और सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। विलेन में विजय सेतुपति सुपर फैंटास्टिक, कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग एंड स्टोरी लाइन इज ऑल्सो सुपर फैंटास्टिक। सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। तो मास मसाला के साथ हमें एक सोशल मैसेज मिल रहा है मूवी में, ये कॉम्बो बहुत ही जबरदस्त लगा। इसलिए मूवी रनिंग में इस टाइम पर 4 मूवी के कंपटीशन होने के बाद भी, फुकरे 3, वैक्सीन वॉर, द ग्रेट इंडियन फैमिली और गदर 2 अभी भी चल रही है, इसके बावजूद भी क्योंकि कंटेंट स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है, मसाला के साथ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, इसलिए ये मूवी अभी भी चल रही है और दबा के चल रही है। तो पहले दिन ही इस मूवी ने अपना खाता शानदार तरीके से खोला था, 130 करोड़ की कमाई करके पूरी दुनिया से। पहला हफ्ता कंप्लीट करते करते इस मूवी ने हिंदी से 327 करोड़ कमा लिए थे और नेट इंडियन कलेक्शन से 369 करोड़, और फर्स्ट वीक को एंड करा था 660 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। पहले 10 दिनों में हिंदी से 396 करोड़ पहुंच चुका था और नेट इंडियन कलेक्शन 442 करोड़ हो चुका था, और 10 दिन कंप्लीट करे थे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 812 करोड़ के आंकड़े से। इसी के साथ दो हफ्ते में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया था, नेट कलेक्शन वही 520 करोड़ हो चुका था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 922 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। और यहाँ तक गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था और KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, चेन्नई एक्सप्रेस, इन सारी मूवीज़ के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खदेड़ दिया था। इसी के साथ 20वें दिन की अगर बात करें, 20वें दिन तक आते आते बड़ा अमाउंट अपने खाते में रख चुकी थी, लेकिन एवरेजली ग्रोथ थी यहाँ पर, ग्रोथ डिप देखने को मिल रही थी क्योंकि मूवी अब पुरानी हो चुकी थी और साथ में कॉम्पिटिशन भी मिल रहा था। तो 20वें दिन में ग्रोथ स्लो देखने को मिली और पहले 20 दिन में सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ लेके आई ये मूवी, नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस वहीं 636 और ओवरसीज से 335 करोड़ आया था और पूरी दुनिया से 1022 करोड़ के मार्वलस आंकड़े में ये मूवी 20वें दिन में पहुंच चुकी थी। 1000 करोड़ इस मूवी ने 19वें दिन में ही कंप्लीट कर लिया था और जबरदस्त तरीके से हुंकार भरते हुए 1100 करोड़ की ओर रपक के आगे चली। इसी में 21वें और 22वें दिन भी स्लो ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन उतनी अच्छी कमाई करते नजर नहीं आई, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री ने यहां पर कमाल कर दिया जो ये स्कीम चलाई, क्योंकि साथ में यहां दो ताजी नई फिल्में रिलीज हो चुकी थी, फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर। लेकिन सही बताऊं तो ओपनिंग डे के उनके जो कलेक्शन थे, फुकरे 3 का 8 करोड़ था और लेकिन उसी दिन जवान ने 10 करोड़ के कलेक्शन से उसे बीट डाउन किया था अपने 22वें दिन में, तो ह्यूज कलेक्शन रहा। वैक्सीन वॉर तो शायद 1,01 करोड़ भी ना कमा पाई थी पहले दिन में और दोनों फिल्मों को जबरदस्त तरीके से बीट डाउन किया। 23वें दिन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करते हुए, क्योंकि यहाँ 4 फिल्में आ चुकी थी, मैं फिर कह रहा हूँ गदर 2 पहले ही चल रही थी, उसके बाद वैक्सीन वॉर, फुकरे 3 और द ग्रेट इंडियन फैमिली, और साउथ में तो स्कंदा मूवी आ गई, तो साउथ में तो खैर स्लो हो ही चुकी है, साउथ में तो पूरी मार खा चुकी है मूवी, अब इतनी ग्रोथ वहां से नहीं आएगी क्योंकि साउथ में बॉलीवुड का इतना परचम नहीं लहराता है। फिलहाल अभी तक कॉम्पिटिशन नहीं था तो जवान चल रही थी और प्रमोशन भी करा, लेकिन अब यहाँ पर अब साउथ में जवान नहीं कमाल कर पाएगी। तो हिंदी में 4 कॉम्पिटिशन हैं लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी कमाई करते नजर आ रही है मूवी। जी हाँ दोस्तों, 23वें दिन में सिर्फ हिंदी से 4.9 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 5 करोड़ हुआ था, ओवरसीज से 6 करोड़ आया और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 23वें दिन में 12 करोड़ की कमाई करी। और इसी के साथ पहले 23 दिन सिर्फ हिंदी से कलेक्शन करा था 530 करोड़, तमिल तेलुगु से 23 दिन में आया 58.97 करोड़, ह्यूज कलेक्शन आया। मैं कह रहा हूँ ना, जवान ने सिर्फ मुमकिन करके दिखाया कि इतनी बड़ी कलेक्शन लेके आई है, वरना लाइफ टाइम कलेक्शन कोई भी बड़े से बड़े स्टार की मूवी ले लो, हिंदी की बॉलीवुड मूवी
20-15 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती है लाइफ टाइम कलेक्शन। अभी तो रनिंग है ये, शायद 65 करोड़ भी पहुंच जाएगा, हु नोज, लेकिन अभी मूवी चल रही है। तो कलेक्शन पहले 23 दिन का मैं बताऊं, नेट इंडियन कलेक्शन 589 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से ये मूवी 350 करोड़ ले आई थी और पूरी दुनिया से 1055 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था और यहां तक पठान के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट डाउन कर दिया था जो 1050 करोड़ का था। बात करें कल यानी चौथे सैटरडे की, यानी 24वें दिन कैसी ग्रोथ रही, सैटरडे का फुल फायदा उठाते हुए उछाल मारा है। हालांकि साथ में चार मूवी चल रही हैं, उसके बावजूद भी कल की अगर हम कमाई देखें तो इन चारों मूवी की कलेक्शन को अगर जोड़ निकल की तब भी जवान की कलेक्शन हाई निकलती है। तो अमेजिंग ग्रोथ है, जनता को अच्छे से प्यार दे रही है, भर भर के प्यार दे रही है। बाय वन गेट वन का जो स्कीम चलाया है जबरदस्त काम आ रहा है, धज्जिया उड़ा के रख रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स की। तो सिर्फ हिंदी से कल आया है 8 करोड़ की कमाई, नेट इंडियन से 8.5 करोड़ और लगभग 11 करोड़ कमाती दिखी है क्रॉस से और पूरी दुनिया से 17 करोड़ की कमाई आते नजर आई है। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 24 दिन में ही 538 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था और 24 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन 598 करोड़ हो चुका था कल एंड ऑफ द डे तक और पूरी दुनिया से ये मूवी 1072 करोड़ अपने खाते में ला चुकी थी। बात करें आज यानी 25वें दिन यानी चौथा संडे कैसा चल रहा है मूवी का, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, उछाल मारते हुए नजर आ रही है, फिर कह रहा हूँ टक्कर देते नजर आ रही है, वो चारों फिल्मों को फिर धज्जिया उड़ाते नजर आ रही है। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की है 20-22% के साथ और कुछ एक जगह जबरदस्त हाउसफुल शोज भी देखने को मिल रहे हैं इवनिंग और नाइट में, कुछ जगह दिन में भी देखने को मिलने। आज फुल डे क्राउड चलेगा, नाइट में उतना क्राउड नहीं रहेगा लेकिन फुल डे क्राउड चलेगा। लगभग 8 करोड़ की कमाई आज टोटल नेट इंडियन से करते नजर आ रही है जिसमें सिर्फ हिंदी से 7.5 करोड़ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया से 15 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही मूवी। इसके साथ सिर्फ हिंदी से पहले 25 दिन में ये मूवी 545 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी और पहले 25 दिन में एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन कलेक्शन 606 करोड़ हो चुका होगा और पूरी दुनिया से ये जवान आज ये मूवी 1087 करोड़ कंप्लीट कर लेगी। तो बस कुछ दिन और ये मूवी सिर्फ हिंदी से 550 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, जो रिकॉर्ड ये सेट करके जाएगी, क्रिएट करके जाएगी, इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन आज तक कोई मूवी ला ही नहीं पाई। उसके बाद नेट इंडियन कलेक्शन 600 करोड़ अब जा रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए आवाना। तो क्रिएट करते जा रही है, हर जगह रिकॉर्ड क्रिएट करती जा रही है, जो पुराने रिकॉर्ड थे वो तो सब तोड़ ही चुके हैं, अब नए नए रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं। अब मूवी ये मैं कह रहा हूँ 1087 करोड़ पूरी दुनिया से अभी है और कुछ ही दिनों बाद ये आंकड़ा हमें 1100 करोड़ देखने को मिलेगा और कुछ दिन बाद 30-35 दिन बाद जब ये मूवी सर्वाइव कर जाएगी जवान थिएटर हाउस में तो 1150 करोड़ अपने खाते में रख लेगी। तो मैं भी मान के चल रहा हूँ मूवी 1150 करोड़ कमा ले जाएगी। आपकी क्या राय है, ये मूवी कब 1150 करोड़ कंप्लीट कर ले जाएगी और क्या हिंदी से 550 करोड़ हमें 2-4 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।